प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के ही होते हैं। तो पहले हम जान लें कि डिग्री होता क्या है। जब तक इसके संबंध में इंट्रोडक्शन या परिचय न जाने, तब तक ये आगे हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इसके संबंध में जानना आवश्यक है। डिग्री होता है किसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं। यह है एक सामान्य अवस्था। और जब हम दो वस्तु के बीच तुलना करते हैं, दो वस्तु दो स्थान या दो व्यक्ति के बीच, तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव, तुलनात्मक। तीसरे होते हैं जब सबों से तुलना करते हैं, तो यह होता है सुपरलेटिव। यही हुआ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यानी डिग्री को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। काइंड्स ऑफ डिग्री, ये तीन भाग में बांटा जा सकता है। एक हुआ पॉजिटिव, दूसरा हुआ कंपैरेटिव, और तीसरे हुए सुपरलेटिव। अब है कि इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं या किस प्रकार से करना चाहिए ताकि सेंटेंस गलत ना हो और हम जो कहना चाहते हैं, जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, वो स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, लोग समझ जाए। तो सबसे पहले हम वर्ड को चेंज करते हैं। जिस तरह से हम वर्ब को चेंज करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में उसका रूप बदल जाता है, ठीक इसका भी रूप बदल जाता है। तो इसके ढेर सारे वर्ड्स हैं, हजारों वर्ड्स हैं, लेकिन हमको वर्ड्स याद न करना पड़े, हम नियम के मुताबिक किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में आसानी से चेंज कर लें, बदल लें। तो इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो फॉर्मूलाज उसको याद रखेंगे तो आसानी से वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो है पहला कि सामान्यतः हम शब्द के अंत में ER लगाते हैं, खास करके ऐसे शब्द जो सिंगल सिलेबल का हो, माने एक ही खंड का होता है। एक ही खंड से मतलब हुआ, जिस तरह से हिंदी में हम पढ़ते हैं जिसका कोई खंड ही नहीं होता है, रूढ़ी शब्द, उसी तरह से इंग्लिश में भी है जिसका कोई खंड नहीं होता है। ऐसे शब्द में सिर्फ ER लगा करके कंपरेटिव बनाते हैं और EST लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे, यानी पहला नियम हुआ एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के कुछ खास नियम। एक है कि ऐसा शब्द जो एक ही खंड का होता है उसमें ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे हार्ड। अब एक ही खंड बताए हैं, बताइए इसको तो हम दो बार नहीं बोल सकते हैं, दो खंड में नहीं बोल सकते, सीधे हार्ड, इसका खंड नहीं होगा, इसलिए इसमें इसका कंपैरेटिव हो जाएगा हार्डर, इसमें ER जोड़ दिए।
और सुपरलेटिव हो जाएगा हार्डेस्ट। इसी तरह से दूसरा कोल्ड, इसको भी खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोल्डर ईआर लगा दिए। अब जरूरी है कि इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे इस तरह से, उसमें सिर्फ हम ईआर लगा करके कंपेरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव बनाएंगे। ये हमको रूल ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अलग अलग वर्ड याद नहीं करना पड़े। जब जरूरत हो तब खुद हम लगा लें, जोड़ लें, कंपेरेटिव में यूज कर लें, सुपरलेटिव में यूज कर लें। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग करने के लिए हमें कंपेरेटिव में द का प्रयोग नहीं करना है, यानी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हम तुलना करते हैं तो उसके साथ हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन जिसके साथ हम तुलना करते हैं उसके पहले देन लगा देते हैं। यह हमको ध्यान रखना है, यह हम अगले ट्रांसफॉर्म जब हम बताएंगे, अच्छा ट्रांसफॉर्म करने के नियम जो बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रूल बताएंगे, तब इसमें इसका रूल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए। साथ ही जब हम ई एस टी लगा देते हैं यानी सुपरलेटिव बना देते हैं तब इसके पहले निश्चित रूप से द लगता ही है, ये दो बात हमको याद रखना है। इसी तरीके से हम इस नियम के अनुसार कंपेरेटिव और सुपरलेटिव शब्द एडजेक्टिव को चेंज करेंगे। दूसरा नियम होता है कि यदि शब्द के अंत में वाई रहता है तो वाई को हटाकर आई ई आर लगाने से कंपेरेटिव। और आई ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बनता है। तो वर्ड को याद न करके अगर इस प्रकार से वर्ड नियम हम ध्यान में रखते हैं तो जैसे ही एडजेक्टिव वर्ड के आगे वाई आएगा अंत में, हम सीधे वाई को हटा करके आई ई आर लगाएंगे, कंपेरेटिव देंगे और उसके बाद देन लगा देंगे। और सुपरलेटिव यदि आता है अगर प्रयोग करना है तो हम आई ई एस टी जोड़कर वाई को हटा करके आई ई एस टी लगाएंगे और उसके पहले दा लगा देंगे। और इसमें हमको कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, नियम को ध्यान रखना है। जैसे एक दो उदाहरण ले लीजिए, जैसे हैव बी इसका हो जाएगा वाई है, वाई को हटा दिए तब ई आर लगा दिए, हैवियर। Heaviest, easier, easiest। इस प्रकार जो भी शब्द आएगा एडजेक्टिव में उसके अंत में यदि वाई है तो वाई को हटा करके आई आर और आई एस टी लगा करके कंपेरेटिव से सुपरलेटिव चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट रूल है कि यदि यदि शब्द के अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक ही वॉवल है तो एक अंत वाले कॉन्सोनेंट को पहले डबल करेंगे तब ई आर लगाएंगे। जैसे यदि शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट है और उससे पहले
एक ही वॉवल है तो ई आर ई एस टी लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, डबल किया जाता है, जैसे इन, इनर, एन को डबल कर दिए, इनेस्ट, इनेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बस यदि ऐसा वर्ड आएगा जिसके अंत में एक ही कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक ही वॉवल है, तो कंपेरेटिव बनाने के लिए अंत वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं तब ई आर लगाते हैं, और इसी तरह से सुपरलेटिव बनाने के लिए डबल करते हैं अंत वाले कॉन्सोनेंट तब ई एच टी लगा देते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और ये ध्यान में है तो गलत नहीं होगा, वर्ड आपको याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि यदि शब्द दो या दो से अधिक सिलेबल का है तो ई आर या ई एस टी न लगाकर मोर लगाने से कंपेरेटिव और ई एस टी लगाने से, मोर लगाने से कंपेरेटिव और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनता है। अब यह है कि दो या दो से अधिक सिलेबल, सिलेबल मैंने खंड भाग, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यू टी फुल, इसका तीन खंड होगा, एक दो तीन, ऐसे शब्द यदि आएंगे तो हमको ई आर और ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें मोर लगाएंगे कंपेरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो इसका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, इसी तरह से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अलग अलग है सिलेबल हैं, खंड कर सकते हैं इसको, ऐसे शब्द के लिए हम मोर और मोस्ट का ही प्रयोग करेंगे। अगर ये इस प्रकार से अगर शब्द आता है तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, अलग अलग वर्ड याद करने की हमको जरूरत नहीं है, कम समय में आपको अधिक से अधिक वर्ड याद हो सकते हैं, लिखने समय में याद हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव अलग अलग शब्दों में होता है,
ई आर और ई एस टी नहीं लगता है, ये प्रॉपरली याद करने हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, एविल, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। मच आता है काउंटेबल के लिए, नहीं अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी आता है काउंटेबल के लिए। फार, फार्दर, फार्देस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। इसको हमें याद करके रखना है ताकि इसमें कोई जोड़ते नहीं है, बल्कि अलग अलग शब्दों में इसको हम चेंज करते हैं, इसलिए इसको याद करना है। एक बार हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, एविल, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फार्देस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। ये अलग अलग शब्दों में है, बाकी जितने भी हैं इसे हम अगर रूल को ध्यान में रखें तो वर्ड को याद करने की आवश्यकता नहीं है, और आसानी से हम बोलते समय में या लिखते समय में इसको हम चेंज कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव याद रह जाएगा। थैंक यू।